सो फ्रेंड्स लेटस नाउ स्टार्ट विथ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक द नेम ऑफ द टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आज क्या डेट है सात सात है ना आज सेवेंथ ऑफ मे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेक्टिफिकेशन आठ तारीख हो गई अरे कल तो छह थी कल छह तारीख थी ना आज आठ हो गई ठीक है ठीक है नो no प्रॉब्लम दोस्तों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो सबसे पहले एरर्स क्या होते हैं कैन यू कैन यू डिफाइन एरर्स वॉट डू यू मीन बाय एरर्स अच्छा अगर अगर जानबूझ के मिस्टेक किया तो अन अवॉइडेबल अन अवॉइडेबल क्यों मिस्टेक्स ओके जानबूझ के मिस्टेक किया तो वेरी गुड हर्ष वेरी गुड हर्ष अन इंटेंशनल मिस्टेक्स इन अकाउंट्स। अगर मिस्टेक्स इंटेंशनल होते हैं ना तो हम उसको फ्रॉड बोलते हैं अगर आप जान बूझ के मिस्टेक करते हैं जान बूझ के मिस्टेक करते हैं तो हम उसको एरर नहीं फ्रॉड्स बोलते हैं फ्रॉड चीटिंग लेकिन अन इंटेंशनल मतलब आपने गलती करने की मतलब ऐसे जानबूझ के नहीं कि आपसे हो गई गलती ठीक है गलती कहां पे हो सकती है बताओ गलती कहां कहां पे हो सकती है देखो हमने हमने जब अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस किया था हमने हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैसे चलता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में पहला पहला पड़ाव है यू पास जर्नल एंट्रीज नंबर टू यू डू लेजर पोस्टिंग तीसरा पड़ाव है हमारे सिस्टम का बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स एट ईयर एंड जब साल खत्म होता है तो सब सब लेजर को हम बैलेंस करते हैं उनके बैलेंसेस निकालते हैं और उन बैलेंसेस में से हम हमारा प्यारा प्यारा क्या बनाते हैं बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उन ट्रायल बैलेंस में हम हमारा अति उत्तम हमारा सबसे फेवरेट चीज फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं आप मुझे बताओ आप गलती कहां पे कर सकते हैं स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर स्टेज फाइव कहां पे गलती हो सकती है एट अच्छा मतलब स्टेज वन में गलती होगा स्टेज टू में गलती नहीं हो सकता देखो एरर कैन अकर एट एनी स्टेज आप जर्नल एंट्री में भी मिस्टेक कर सकते हैं लेजर पोस्टिंग में भी बैलेंसिंग में टोटलिंग में भी ट्रायल बैलेंस बनाने में भी और फाइनल अकाउंट्स में तो मिस्टेक हमारा एक एक परम सिद्ध अधिकार है मतलब हमारा कैसे करते ही है हम लोग बैलेंस शीट को मेहनत करके टैली करना पड़ता है हमारी टैली नहीं होती है हम कुछ ना कुछ तो गलतियां फाइनल अकाउंट्स में करते ही हैं तो दोस्तों हमें, हमें 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 हमारे एरर्स को समझना है कौन सी स्टेज पे एरर है उसको समझना है और उसको ठीक कैसे करेंगे वो भी समझना है क्योंकि अगर आपको देखो एक सिंपल बात है देखो आप अगर खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला स्टेप क्या है माउथ देन यू देन उसके बाद स्टमक उसके बाद इंटेस्टाइन तो हमारा कैसे ना डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टेप्स रहते हैं अगर आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको पहले देखना पड़ेगा गड़बड़ कहां पे हुआ है अगर आपका गड़बड़ इसोफेगस में है तो आप स्टमक ठीक नहीं करेंगे इंटेस्टाइन ठीक नहीं करेंगे बात समझ रहे कि नहीं आप जहां पे मिस्टेक है वहीं पे ठीक करेंगे देखो ये डॉक्टर वाला काम है डॉक्टर जब पढ़ता है ना तो डॉक्टर की पढ़ाई ना तीन स्टेजेस में की जाती है पहला पहला डॉक्टर को समझना पड़ता है अंडरस्टैंड बॉडी तो हमारे पहले सिस्टम को समझना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए पहले सिस्टम को समझना पड़ता है कि हमारा बॉडी काम कैसे करता है उसके बाद डिजीज कौन सी कौन सी बीमारी हमको हो सकती है कौन सी कौन सी बीमारी हमको हो सकती है डिजीज कौन सी कौन सी बीमारी सीखने के बाद डॉक्टर तीसरा क्या सीखेगा मेडिकेशन हाउ टू क्योर दी डिजीज अच्छा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी ये हमारा पहला हमारे अकाउंटिंग में भी तीन स्टेप्स है हमारे अकाउंटिंग में भी तीन स्टेप्स हैं कैसे तीन स्टेप्स हैं मैं अभी तीन स्टेप्स अकाउंटिंग के इसके साथ मैच करता हूं सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम काम कैसे करता है ये अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर स्टेप्स लिखे हैं मैंने वन टू थ्री फोर फाइव ये अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा फिर हमें क्या सीखना पड़ेगा हमारे अकाउंट्स में कौन सी कौन सी गलतियां हो सकती हैं कौन सी कौन से स्टेज पे तो हम सीखेंगे गलतियां क्या है बीमारी क्या क्या है और आखिरी पड़ाव हमारा होगा आखिरी पड़ाव होगा अब उस बीमारी को अब उस बीमारी को ठीक कैसे करें वो गलतियों को ठीक कैसे करें दोस्तों हमने इसमें सिस्टम ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी डिस्कस किया है उसमें जर्नल लेजर भी सीखा था सबसीडरी बुक सीखे थे कैश बुक सीखा ट्रायल बैलेंस सब सीख लिया हमने फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी आपको आते हैं तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं खाली सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को और अच्छे से समझने के लिए हमारे जो अकाउंटिंग प्रोसेस के तीन चार लेक्चरस हैं ट्रायल बैलेंस ये सबके लेक्चर्स एक बार अच्छे से सुन लेना और जल्दी सुन लेना अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स गलतियां कौन सी कौन सी होती हैं उसके बाद तीसरा पड़ा होगा उसको ठीक कैसे करेंगे तो मेरा आज का टारगेट खाली क्या होगा गलतियां कौन सी कौन सी आज बीमारी कौन सी कौन सी डॉक्टर बना रहा हूं आपको अकाउंट्स का डॉक्टर अब क्या बन रहे हैं बच्चों अकाउंट्स के डॉक्टर अकाउंट्स में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आज आपको सीखना पड़ेगा अकाउंट्स में गड़बड़ी क्या होती है अकाउंट्स में बीमारी क्या क्या होती है तो आज का हमारा टारगेट रहेगा टाइप्स ऑफ एरर्स दोस्तों कैन यू टेल मी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ एरर्स बेसिकली हमारे जो एरर्स हैं दो टाइप के होते हैं मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे मैं क्या नया रूल बनाने वाला हूं नया रूल क्या बनाऊंगा मालूम है क्लासेस का जो बच्चा मैं जो जो बच्चे रिस्पोंड कर रहे हैं ना उसके नाम ना दि दिमाग में ना सेव करते जा रहा हूं जो बच्चा रिस्पोंड नहीं करेगा मैं उसके डाउट्स नहीं सॉल्व करने वाला वो मेरे को डाउट पूछेगा मैं बोलेगा कौन है तू रिस्पोंड करेंगे तो मैं सुपर रिस्पॉन्ड करूंगा रिस्पोंड करने से ही मुझे पता चल देखो आप अपने घर मैं अपने घर आप अपने घर मैं अपने घर 14 मंथ्स हो गए अकेले रूम में बात करते हुए अज्यूम करते हुए कि सामने बच्चे बैठे हैं अपने आप को समझाते हुए कि देखो बच्चे बैठे हैं सामने अज्यूम करो लेकिन बच्चे तो अपने अपने घर में बैठे हैं तो आप बैठे हैं और उसका मुझे एक रियलाइजेशन होना चाहिए फीलिंग आना चाहिए चलो बहुत बढ़िया दोस्तों सबसे पहला हमारा गलती है क्लैरिकल एरर्स और दूसरा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कॉन्सेप्चुअल एरर्स क्लेरिकल एरर्स मतलब वॉट डू यू मीन बाय क्लेरिकल एरर्स सर बहुत टाइम हो गया याद ही नहीं है लेवंथ में किया था वो भी आधा समझा था आधा ऊपर से गया था दोस्तों क्लैरिकल एरर्स में अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं मींस गलती से गलती से मिस्टेक हो गया हां हां बच्चों गलती से मिस्टेक हो गया गलती से मिस्टेक हो जाने को क्लैरिकल एरर्स बोलते नॉलेज परफेक्ट है, Knowledge perfect है. बट काम ध्यान से नहीं करते तो मिस्टेक हो गया ऐसे हमारे क्लेरिकल एरर्स कितने हैं मालूम है ऐसे हमारे अरे एरर तो सब अनइंटेंशनल होता है हमारे क्लेरिकल एरर्स भी तीन टाइप के हैं क्या बात है गलती से मिस्टेक होने वाली गलतियां भी तीन है सर कौन सी कौन सी गलतियां हैं पहला पहला है एरर ऑफ बच्चों बताओ बताओ एरर ऑफ ओमिशन ओमिशन भूल जाना भूल गए भूल गए दूसरा एरर्स ऑफ बहुत अच्छा कमीशन भूल नहीं गए कुछ गलत हो गया आपसे ध्यान नहीं दिया गलत हो गया आपसे यू हैव कमिटेड सम एरर तीसरा कॉम्पेंसेटिंग एरर्स तो याद रखना दोस्तों हमारे जो एरर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं और क्लेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिकल तीन टाइप के होते हैं ओमिशन कमीशन कॉम्पेंसेटिंग अब हम एक एक बीमारी को एक एक बीमारी को जरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे आज हम पहली बीमारी की बात करेंगे पहली हमारी बीमारी है आज का पहला टारगेट होगा एरर ऑफ ओमिशन ओमिशन मतलब भूल जाना ओमिशन का मतलब है भूल जाना दोस्तों एरर्स ऑफ ओमिशन भी दो टाइप के होते हैं हाँ सर टाइप में सब टाइप सब टाइप में सब टाइप टाइप में सब टाइप टाइप सब टाइप दिमाग की दही बना देता है उम्मीद है ये ब्लैक बोर्ड ठीक है ब्लैक बोर्ड का फायदा क्या होता है आंखों को स्ट्रेस कम आता है और बोलेंगे सर आप तो हमें पीडीएफ भेजते हैं फिर हम ब्लैक बोर्ड का पीडीएफ का प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे अरे पीडीएफ में ब्लैक नहीं आएगा खाली स्क्रीन पे ब्लैक आएगा पीडीएफ ऐसा रहेगा देखो अभी सिखाया ना पूरा पीडीएफ ऐसा रहेगा ये खाली स्क्रीन पे ब्लैक आएगा मैजिक है मैजिक लॉकडाउन बहुत कुछ सिखा देता है बहुत कुछ सिखाया है वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड एक होता है कंप्लीट ओमिशन बहुत अच्छा दूसरा होता है पार्शल ओमिशन चलो बच्चों बताओ कंप्लीट ओमिशन क्या होता है मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं बच्चों क्योंकि आपने ऑलरेडी आपने ऑलरेडी कभी किया है इलेवेंथ हाँ, में किया है उम्मीद है आप में से ऐसा कोई है क्या कि जिसने ऐसा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से कि इसने रेक्टिफिकेशन को ऑप्शन में छोड़ा था मालूम है ये साल और अगले साल मुझे पढ़ाने में बहुत दिक्कत होने वाली है आपको नहीं आपके जूनियर्स को आपके जूनियर्स को पढ़ाने में मुझे ये और अगले साल बहुत दिक्कत होने वाली है अब बच्चों जो मेरे पास ट्वेल्थ में बच्चे आए हैं जो आउटसाइडर्स आए हैं मेरे बच्चों का तो मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने उनको हंड्रेड परसेंट इलेवेंथ का बीके कंप्लीट कर दिया है लेकिन जो मेरे पास बाहर के बच्चे आए हैं 11th में से 11th वहां पे थे उनको कई टॉपिक्स 11th में करवाए नहीं क्योंकि कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रहे थे अब अब वो वो टॉपिक ना मेरी जान खाने वाले हैं किसी भी क्लास ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं सिखाया 11th में किसी भी ऑलमोस्ट किसी भी क्लास ने 90% क्लासेस ने नहीं सिखाया मर गए बच्चे मर गए क्या मैं मर गया चलो कंप्लीट ओमिशन क्या होता है पूरी एंट्री भूल गए आई वुड से ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल पूरा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गए बच्चों भूल गए भूल गए भूल गए ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया भूल गए भूल कैसे जाते हैं देखो उसके में कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं अब मैं यहाँ पे बिजी बैठा हूं लेक्चर में आपका लेक्चर खत्म होकर फिर थोड़ी देर में दूसरा लेक्चर है तो बीच में मेरे को यह सब पीडीएफ पीडीएफ बनाना पड़ता है ये सब और कोई इंक्वायरी कॉल आता है पेरेंट से बात करना पड़ता है इसके बीच में ना मेरे को एक चेक आ गया किसी स्टूडेंट ने चेक दिया सर ये पेमेंट ले लो मैंने चेक ले लिया ड्रावर में रखा स्टाफ को दे दिया लेकिन ना मैं क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था तो इस चेक की एंट्री मेरे बुक्स में करना नोटबुक में लिखना भूल गया कि चेक मिला कंप्लीट ओमिशन भूल गया तो सर ये पता कैसे चलेगा पता कैसे चलेगा बताओ देखो जब जब वो स्टूडेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे या स्टूडेंट्स की फीस एंट्री नहीं होगी तो हम स्टूडेंट को फोन करेंगे भाई तुम्हारा फीस नहीं आया तो स्टूडेंट बोलेगा सर मैंने फीस दिया है तो हम बोलेंगे जरा बताओ ना हमारे को नहीं मिल रहा है तो स्टूडेंट देखाएगा सर देखो ये चेक हमने ये डेट को दिया था मैं देखूंगा अरे मेरे पास तो है नहीं हाँ लेकिन बैंक में वो चेक नंबर के साथ मुझे एंट्री मिल गई मिल गया पकड़ में आ गई मिस्टेक दूसरा हमने सप्लायर से गुड्स परचेस किए सप्लायर का गुड्स हमारे दुकान में आ गया बिल भी आ गया हमने वो बिल को क्या किया टेबल पे रखा ठीक है बस अभी उसको फाइल भी करने वाले थे सब फाइल वाइल में डालना पड़ता है इतने में साफ सफाई वाला आ गया बोला साइड हो जाओ साफ सफाई करनी है तो मैं उठ गया साइड साफ सफाई चालू हो गई ऑफिस की तो साफ सफाई वाले ने क्या किया टेबल पे जो पेपर्स पड़े थे ना सब पेपर्स मिक्स कर दिए एक जगह जमा करके साइड करके रख दिए साफ सफाई के बाद मैं आके अपने टेबल पे बैठा तो मेरे को ध्यान में नहीं था कि मैंने परचेस का बिल रखा था जो मुझे फाइल करना है एंट्री पास करनी है वो तो मेरे सब पेपर्स के अंदर मिक्स हो गया मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया भूल गया कंप्लीट ओमिशन ऐसे भूल जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं तो आई कैन राइट एग्जाम्पल में वो लिख रहा हूं मैं सेल्स टू रामू रुपीज टेन थाउजेंड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ऑल रामू को गुड्स बेचा था हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करना पूरा ही भूल गए what इज partial ओमिशन अच्छा सब्सिडरी बुक में लिखा बट लेजर में नहीं लिखा अच्छा लेजर में दोनों दोनों लेजर में अच्छा ट्रांजेक्शन आधा रिकॉर्ड किया डेबिट किया क्रेडिट भूल गए क्रेडिट किया डेबिट भूल गए आधा एंट्री पास किया शायद <laughs> देखो ऐसा कोई आधा एंट्री पास किया वाला सिस्टम नहीं होता है एक खाना खाने वाला काम थोड़ी है कि आधा खाना खाया आधा खाना खाना भूल गए ध्यान से समझो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो होता है ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड पूरा रिकॉर्ड होता है बट जब पोस्टिंग कर रहे थे तो एक लेजर में पोस्ट करना भूल गए ये ना एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं होता है यहां पे जर्नल एंट्री सही पास हो जाता है डेबिट भी हो जाता है क्रेडिट भी हो जाता है बट जब लेजर पोस्टिंग कर रहे थे ना तो एक लेजर पोस्टिंग किया एक लेजर पोस्टिंग भूल गए बोला सर एग्जाम्पल दो अभी लो वही एग्जाम्पल सेल्स टू रामू टेन थाउजेंड नॉट पोस्टेड टू रामू अकाउंट कैसे एक काम करो मुझे आप पहले सेल्स टू रामू का जर्नल एंट्री बताओ सब बच्चे बताएंगे देखो सबको आता है सेल का एंट्री वेरी गुड नैना अरे सेल्स का एंट्री आता है बच्चों वेरी गुड आपको मैंने बोला है अगर आपको आंसर देने में दिक्कत होती है सब लोग देखेंगे राइट है कि रॉन्ग है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं खाली मुझे दिखेगा आंसर इसकी एंट्री क्या पास करते हैं इसकी एंट्री पास करते हैं रामूस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टेन थाउजेंड क्या सही एंट्री पास किया हां सर सही एंट्री पास किया तो गड़बड़ क्या हो गई कैश नहीं देखो कैश नहीं क्योंकि जब मैं जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट सेल है अज्यूम करते हैं अज्यूम करते हैं तो हमारा रामू सेड है उसको हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पे किए ठीक है।, है एंट्री सही पास किया हां बिल्कुल सही पास किया फिर तो क्या दिक्कत हुआ दिक्कत हुआ बच्चों जब इसकी हम लेजर पोस्टिंग करने बैठे थे ना तो गलती हो गई क्या गलती हो गई एक लेजर में पोस्टिंग किया सेल्स में और रामू अकाउंट में पोस्टिंग करने भूल गए भूल गए और भूल गए पार्शल ओमिशन पार्शल ओमिशन में ना लेजर पोस्टिंग का प्रॉब्लम होता है एक लेजर में होता है पोस्टिंग एक लेजर में भूल जाते हैं ऐसा नहीं कि एंट्री आधा पास किया ट्रांजेक्शन आधा रिकॉर्ड किया ऐसा नहीं होता है लेजर पोस्टिंग भूल जाते हैं हम दिस इज कॉल्ड एज एर ऑफ पार्शल ओमिशन अरे समझा क्या बच्चों Yes, आपके स्क्रीन पे पूरा डिस्कशन एक्सप्लेनेशन आप मुझे बता सकते हैं क्लियर है क्या बच्चों बहुत अच्छा चल अब आप मेरे आपको मैं और सवाल पूछूंगा अभी देखो एक बात याद करना मेरा अकाउंट पढ़ाने का जो तरीका है एक उसमें बेसिक बात आप याद करना मैं कभी आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा आई विल नॉट डू एनी स्पून फीडिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे आप सोचेंगे आंसर करेंगे मैं डिस्कस करूंगा इट शुड बी इंटरक्टिव सेशन नंबर वन नंबर टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रॉपर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तभी तो आप पेपर लिख पाएंगे मेरा क्या एक तो सवाल है मेरा एक तो सवाल है दोनों में समझो आपके बुक्स में एरर ऑफ ओमिशन है कंप्लीट ओमिशन है या पार्शल ओमिशन है चलो पहले कंप्लीट ओमिशन है कंप्लीट ओमिशन है हां सर कंप्लीट ओमिशन है आपने ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस बना लिया हां सर बना लिया क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली होएगा। आपके बुक्स में कंप्लीट ओमिशन है आपका ट्रायल बैलेंस टैली होएगा कि नहीं होएगा। नो यस नो येस यस 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 बट रॉन्ग अमाउंट से टैली होएगा। यस yes, yes, yes. यस यस ये आंसर बता रहा हूं बच्चों बाकी बच्चे देखो मैं बहुत क्लियर हूं जो बच्चे आंसर दे रहे हैं मैं उनका नाम याद कर रहा हूं डाउट भी इन्हीं के सॉल्व करूंगा और मैडम को बोल दूंगा अकाउंट्स का पेपर भी इन्हीं का ही चेक करने का बाकी का पेपर भी नहीं चेक करने का अगर आपको मोबाइल हाथ में उठा के टाइप करने में मैसेज सेंड करने में दिक्कत होती है तो मेरे को भी दिक्कत होगी प्रॉब्लम आपके डाउट सॉल्व करने में पेपर चेक करने में मेरे को भी दिक्कत होगी तो दिक्कत आपको भी करनी है मेरे को भी आपको भी एफर्ट्स डालने मेरे को भी डालने सो इन केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन कंप्लीट ओमिशन होने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छा मोटा मोटा लिखूं टैली होएगा बहुत अच्छा देखो क्यों टैली होएगा क्योंकि आपने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया मतलब डेबिट में भी अमाउंट नहीं आया क्रेडिट में दोनों साइड गुम हो गया कोई टेंशन नहीं है ट्रायल बैलेंस टैली होएगा हाँ हमारे दोस्त ने बोला कि सर जो टैली फिगर होगा वो ठीक नहीं होगा रॉन्ग होगा बट हमको टेलीफिगर से करना क्या है हमारे टेलीफिगर से कोई काम नहीं होता है बस टेली होता है ये देखना होता है हाँ टेली रॉन्ग फिगर से होगा बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे आगे किसी भी किसी भी जगह पे अच्छा चलो अगर आपके बुक्स में पार्शल ओमिशन है अभी बताओ क्या टीबी टैली होएगा कहा से स्टार्ट हुआ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हमारे नए नए एडमिशन के बच्चे बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट मैसेज भी कर रहे हैं नो प्रॉब्लम आंसर देना इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होएगा क्यों नहीं होएगा टेली सिंपल सा सवाल आंसर है देखो आपने क्या किया क्रेडिट में दस हजार डाल दिया डेबिट में दस हजार डेबिट करना पोस्टिंग करना भूल गए तो डेबिट का टोटल कम हो जाएगा क्रेडिट का ज्यादा रहेगा तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा देखो अगर आपकी मिस्टेक खाली, खाली क्रेडिट में है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला नहीं दोनों साइड मिस्टेक है ना ऐसी मिस्टेक है जो आपके ट्रायल बैलेंस मतलब कैसे मैं अभी एरड ऑफ कमीशन में कुछ एग्जाम्पल अच्छे अच्छे लूंगा दोस्तों होप सो पार्शल ओमिशन ठीक है बीमारी सीख रहे अच्छा अभी इसको ठीक कैसे करेंगे वो अगला स्टेप है बीमारी का दवाई मैं अगले स्टेप में सिखाऊंगा आज का टारगेट है बीमारी कौन सी कौन सी बीमारी होती है उस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं क्या लक्षण होते हैं क्या तकलीफ होती है किधर किधर इफेक्ट होता है दोस्तों हमारी पहली बीमारी कंप्लीट हो गई उम्मीद है पहली बीमारी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब हम हमारी बीमारी नंबर दो की बात करेंगे हमारी बीमारी नंबर दो का नाम है एरर्स ऑफ कमीशन एरर ऑफ कमीशन में हम कुछ भूल नहीं जाते बच्चों वी डोंट फॉरगेट एनीथिंग तो हम ना कुछ गलत कर देते हैं भूलते नहीं किया एंट्री किया, सब किया पोस्टिंग सब किया बट या तो एंट्री गलत कर दी या तो पोस्टिंग गलत कर दी या तो टोटलिंग गलत कर दी या तो कैरी फॉरवर्ड गलत कुछ तो गलत कर दिया तो दोस्तों इसमें क्या क्या टाइप की मिस्टेक्स होती हैं कैन यू गिव मी वन और टू और थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो पहला पहला बता रहे हैं रॉन्ग अमाउंट टोटलिंग मिस्टेक होके रॉन्ग पोस्टिंग वेरी गुड ओके रॉन्ग पोस्टिंग में डेटा क्रेडिटर का नाम गलत ले लिया वेरी गुड रॉन्ग बैलेंसिंग वेरी गुड कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक्स एक्सीलेंट बहुत बढ़िया बच्चों इंटरचेंज कर दिया कैसे पहला पहला मैं बात करूंगा रॉन्ग पोस्टिंग बहुत अच्छा बच्चों रॉन्ग पोस्टिंग रॉन्ग पोस्टिंग तीन टाइप का होता है रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट का पोस्टिंग रॉन्ग साइड रॉन्ग अकाउंट मतलब राजा का रानी अकाउंट में डाल दिया जोकर का गुलाम में डाल दिया रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अमाउंट में क्या मिस्टेक होती है दस हजार का एक जीरो गुम कर दिया हजार एक जीरो बढ़ा दिया एक लाख या नंबर्स इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज कैसे होते हैं समझो आपका फाइव समझो आपका फाइव सिक्स सेवन है तो आपने फाइव सेवन सिक्स कर दिया मतलब छह और सात अदला बदली जगह अदला बदली हो गई कॉमन तो मिस्टेक है ये रॉन्ग साइड मतलब डेबिट का क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो गया या क्रेडिट का डेबिट साइड पोस्टिंग हो गया ध्यान नहीं होता है तो ये गलतियां होती रहती है अच्छा दूसरा गलती रॉन्ग कास्टिंग टोटलिंग अच्छा टोटल किधर किधर करना पड़ता है किधर किधर टोटल करना पड़ता है जो आप मिस्टेक कर रहे हैं लेजर में सब्सिडरी बुक्स में ट्रायल बैलेंस में आपने ना टोटल करने में गलती कर दी ये तो हमारा बचपन से मिस्टेक होता है बचपन से स्कूल से हम टोटल करने में गलतियां करते आते हैं करते आते हैं और अगर आप टोटल गलत करेंगे तो करेस्पोंडिंग जहां जहां पे इसके इफेक्ट्स जाते हैं वो भी गलत हो जाएगा अंडर कास्टिंग ओवरकास्टिंग बोलते हैं हम इसको अच्छा और और क्या गलतियां करते हैं रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड हम ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आते हैं वो गलत कर देते हैं गलत अमाउंट लेते हैं गलत अकाउंट में डाल देते हैं गलत साइड ले लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस को भी गलत कैरी फॉरवर्ड करते हैं सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स कभी कभी हम रॉन्ग बुक में एंट्री कर देते हैं जैसे सेल्स की एंट्री परचेज बुक में कर देंगे जैसे सेल्स रिकॉर्डेड इन परचेज बुक ध्यान नहीं गया परचेस बुक उठा लिया परचेज एंड वाइसे वर्षा परचेज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बहुत सारी गलतियां करते रहते अच्छा ये सब गलतियां क्या है एरर्स ऑफ कमीशन है ध्यान से काम नहीं करने वाली गलतियां हैं अब मैं क्या आपको पूछना चाहता हूं मेरा अगला सवाल क्या है कि अगर ये आपकी गलतियां हैं और आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ये गलतियों के बाद आप ट्रायल बैलेंस अभी ठीक नहीं किया गलतियां गलतियां हैं और गलतियां ठीक करने से पहले आप ट्रायल बैलेंस बना रहे तो सवाल क्या होगा आपके सामने है क्या सवाल होगा समझ रहे हाँ हमारा सवाल है क्या इन गलतियों के बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होएगा? चलो एक एक करके रॉन्ग अकाउंट चलो एक एक अलग अलग है सबका अपना अपना सोचना पड़ेगा अगर आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होएगा? रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया ए का बी में बी का सी में सी का डी में डी का ई e में यस और नो यस और नो 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 यस नो 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 यस ऐसे आंसर आ रहे हैं। मैं अब गेम नहीं खेल रहा हूँ नो 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 के बाद बीच में फिर एक यस आता है फिर दस नो आते हैं फिर यस फिर एक नो फिर एक यस हाथ थक गया बोल के yes, हमारे न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स तो इलेवेंथ की रिविजन कर रहा हूं मैं रॉन्ग हाँ, अकाउंट अगर आप रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो ट्रायल बैलेंस टैली होएगा होएगा ट्रायल बैलेंस टैली आई आई वुड रादर से वर्ड यूसी वैसा करता हूं यस yes, नो no की जगह क्या लिखूंगा टैली होएगा नहीं नहीं सस्पेंस बस्पेंस की बात ही नहीं है यहाँ पे सीधा टैली होएगा सीधा सोचो सोचो कनेक्ट करो चीजों को देखो मेरे को राजा को डेबिट करना था मैंने रानी को डेबिट कर दिया लेकिन डेबिट कार्ड डेबिट में ही पड़ा है ना ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही आएगा ना खाली राजा की जगह रानी के अकाउंट में डेबिट होगा पर डेबिट का डेबिट में आएगा ना डेबिट का टोटल गलत थोड़ी होएगा मुझे गुलाम को क्रेडिट करना था मैंने जोकर को क्रेडिट कर दिया अरे कोई टेंशन नहीं है क्रेडिट का क्रेडिट में ना पड़ा ना खाली गलत अकाउंट में पड़ा है तो क्रेडिट तो क्रेडिट में पड़ा है तो ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट साइड ही जाएगा भले गलत अकाउंट है है तो क्रेडिट साइड ना है तो सही साइड ना क्या दिक्कत है बताओ क्या दिक्कत है टैली होगा होएंगा मतलब होएंगा दोस्तों ये चीजें आपको कनेक्ट करनी है एग्जामिनर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यूज़ पूछते हैं पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ रहता है रॉन्ग अमाउंट अमाउंट बताओ रॉन्ग अमाउंट तो क्या टीबी टैली होएगा नो 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 यस नो 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 यस नो 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 यस अरे सोच के बोल रहे हैं हाँ सर सोच के बोल रहे हैं टैली नहीं होएगा अरे क्यों नहीं होएगा देखो देखो बच्चों जहां पे आपको दस हजार डेबिट करना था आपने हजार डेबिट कर दिया अमाउंट गलत हो गया तो डेबिट में टोटल कम हो जाएगा ना हाँ अगर अगर आप डेबिट में भी गलत अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट में भी गलत अमाउंट लिखेंगे तो टैली होएगा। ये कैसे ना वन साइड गलत अमाउंट है या तो डेबिट में गलत अमाउंट है या तो क्रेडिट में गलत अमाउंट है तो तो एक ही साइड कम ज्यादा हो जाएगा दोनों साइड आपने दस हजार का हजार लिखा तो टेंशन नहीं तो टेंशन नहीं है तो टैली होएगा ये वन साइड रॉन्ग अमाउंट है तो टैली नहीं होएगा चलो बच्चों अगला पढ़ाओ रॉन्ग साइड पोस्टिंग किया टीबी टैली की नॉट टैली देखो ये मिक्स हो रहा है यार दोनों साइड रॉन्ग हुआ तो दोनों साइड रॉन्ग हुआ मतलब अमाउंट ना तो टैली होएगा बताया मैंने आपको साइड आपने पोस्टिंग किया मतलब दस हजार डेबिट करना था दस हजार क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कम क्रेडिट बढ़ जाएगा तो टैली होने का कोई सवाल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहां पे मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे समझो मैंने हजार रुपया डेबिट का क्रेडिट चला गया मेरा हजार रुपया डेबिट करना था रामू में हमने क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया रामू में आप बोल रहे हाँ सर टीबी टैली नहीं होएगा नहीं होएगा टीबी में टोटल में डिफरेंस कितना आएगा रामू को हजार डेबिट करना था गलती से रामू को हजार क्रेडिट पोस्ट कर दिया अब मेरा टीबी टैली नहीं हो रहा है लेकिन मेरे टीबी में डिफरेंस कितना आएगा टोटल में दो हजार दो हजार दो हजार दो हजार दो हजार दो हजार, दो हजार। वो नहीं होते बोली लगाते ना बोली डबल अमाउंट का डिफरेंस आएगा आप ऐसा बोलना चाहते हैं दोस्तों आप बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही है बहुत अच्छा कीप इट अप एक्सीलेंट इस बात को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा डू नॉट वरी डोंट वरी एट ऑल इस बात को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको आप एक काम करो घर में ना आज दो प्लेट लेना ठीक है एक प्लेट को आप डेबिट प्लेट बोल देना डेबिट साइड एक प्लेट को आप क्रेडिट प्लेट, प्लेट बोल देना दो थाली ले लो प्लेट ले लो एक्सपेरिमेंट करना दोनों प्लेट में क्या करने का कॉइन्स पड़े हैं घर में कॉइन्स दोनों प्लेट में ना दस दस कॉइन डालने का तीन चार हा अभी भी पड़ा तो अभी करो एक्सपेरिमेंट एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस कॉइन डेबिट में डाले दस ठीक है दो प्लेट उठाओ दोनों में दस दस क्वाइन डालो अब मैं क्या करता हूं ध्यान देना मैं एक क्वाइन एक क्वाइन डेबिट वाले प्लेट से निकालता हूं ये मैंने निकाल दिया गुम हो गया ये वाला कॉइन में किधर डालूंगा क्रेडिट वाले प्लेट में डाल दूंगा डेबिट का क्रेडिट में चला गया पहले ओरिजिनल कितने कॉइन्स थे दोस्तों इसमें दस थे इसमें दस थे अब मैंने डेबिट प्लेट में से एक क्वाइन निकाल दिया वो कॉइन क्रेडिट प्लेट में डाल दिया अब काउंट करो कॉइन्स आपके डेबिट प्लेट में कितने कॉइन्स हैं आप काउंट करेंगे तो एक गया मतलब नौ और क्रेडिट प्लेट में एक कॉइन ऐड हो गया तो उसमें कितना आएगा ग्यारह आपने ट्रांसफर कितने कॉइन्स किए बच्चों डेबिट से क्रेडिट में बोला सर केवल एक कॉइन काउंट ट्रांसफर किया लेकिन आपके अभी कॉइन्स में डिफरेंस कितना है बोला सर दो कॉइन्स का डिफरेंस है ट्रांसफर तो एक हुआ लेकिन डिफरेंस दो का आएगा काउंट करके देखो उधर नौ उधर ग्यारह वैसा ही वैसा ही हमारे ट्रायल बैलेंस में होता है अगर डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में चला गया हजार रुपया तो डेबिट हजार कम होता है क्रेडिट हजार बढ़ जाता है तो वो गिरा वो बढ़ा तो डिफरेंस डबल हो जाता है अरे कुछ समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? कुछ समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपके पास कॉइंस नहीं गे तो लूडो की गोटियां से करो गेम खेलो लूडो की गोटियां रहेंगी ना आप लॉकडाउन में टाइम पास तो करते रहेंगे ना ऐसा नहीं लूडो की गोटियां नहीं है कैरम बोर्ड की गोटियां ले लो अरे बात समझाना मेरा एम एम क्या है समझाना वो भी नहीं है छोड़ो फिर अच्छा रॉन्ग लेजर में लॉन्ग कास्टिंग होएगा तो टीबी टैली होएगा बताओ बताओ अगर रॉन्ग कास्टिंग रॉन्ग टोटलिंग है टोटल करना गलत कर दिया आपने तो क्या टीवी टैली होएगा बताओ बताओ विल नॉट टैली बिल्कुल टैली नहीं होएगा रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड है रॉन्ग ब्रॉड फॉरवर्ड है तो क्या टीबी टैली होएगा बहुत बढ़िया बिल्कुल टैली नको हुई अच्छा हमने अगर रॉन्ग बुक में एंट्री कर दिया तो क्या टैली होएगा सेल्स को परचेस बुक में डाल दिया परचेस को तो सेल्स बुक no. में, में डाल दिया तो क्या टीबी टैली होएगा कहां से स्टार्ट कर रहे हैं अभी पहले वाला आंसर की ये वाला नो फोर्थ का आंसर टैली होएगा सेल्स को परचेस बुक में डाल दिया परचेस को सेल्स बुक में डाल दिया तो क्या टीबी टैली होएगा मेजोरिटी ने नो no बोला लेकिन अभी कुछ लोगों ने हाँ 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 बोलना चालू किया है सर हाँ 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 हाँ, हाँ। तो जिन लोगों ने पहले आंसर दिया ना जिन लोगों ने थोड़ा ज्यादा सोच के आंसर दिया हाँ जी हाँ जी हाँ बहुत बड़ी बात है पब्लिक पोल 50 50 परसेंट पे लगा पड़ा है तो सही आंसर है इसका इसका करेक्ट आंसर है द ट्रायल बैलेंस विल ट्रायल बैलेंस विल विल क्या विल टैली अरे विथ रॉन्ग अमाउंट नहीं बोलो मैं मारेगा पकड़ के ट्रायल बैलेंस का टोटल हाँ ठीक है रॉन्ग Wrong भी नहीं होएगा, नहीं नहीं रॉन्ग अमाउंट भी नहीं होएगा, रॉन्ग अमाउंट होएगा, टैली होएगा होएगा, होएगा, राइट राइट अमाउंट अमाउंट से right से होगा. आपको ना चीजों को कनेक्ट करना है ब्रेन में देखो एक सिंपल बात मैं आपको पूछ रहा हूं सीधी साधी बात पूछ रहा हूं मैं आपको पूछ रहा हूं आप सेल्स की क्या एंट्री पास करते थे बोला सर सेल्स की एंट्री हम ये पास करते थे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लेकिन आपने गलती से सेल्स को परचेज बुक में डाल दिया तो आपने परचेज बुक में क्या एंट्री पास कर दी गलती से परचेज में डाल दिया तो क्या एंट्री पास कर दी बोला सर परचेज की एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू समझो पार्टी का नाम लिख देता हूं मैं हमारा पार्टी तो फिक्स है रामु तो, रामु। तो आपने रामू को दस हजार सेल किया लेकिन गलती से परचेज बुक में डाल दिया तो आप मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस टेली होने में क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं ट्रायल बैलेंस टैली होने में पूरा एंट्री आपने रॉन्ग पास किया लेकिन एंट्री तो पास किया डेबिट भी किया क्रेडिट भी किया ट्रायल बैलेंस को क्या चाहिए ट्रायल बैलेंस को यह चाहिए कि आप जितना डेबिट करते हैं उतना क्रेडिट करो भले गलत अकाउंट में करो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने डेबिट भी गलत अकाउंट किया रामू का परचेस में चला गया क्रेडिट भी गलत अकाउंट में किया सेल्स का रामो में चला गया एक बात बताओ एक सिंपल बात बताओ डेबिट भी किया क्रेडिट भी किया तो क्यों टैबी टै, टीबी टैली नहीं होएगा अरे जिन्होंने नो बोला था उनको समझा क्या एक बुरा एंट्री ही गलत पास किया ठीक है ना एंट्री तो पास किया ना डेबिट भी किया क्रेडिट भी किया क्यों टैली नहीं होएगा टैली तभी नहीं होता है जब या तो डेबिट में गलती करो या तो खाली क्रेडिट में गलती करो तो टैली नहीं होता है पे तो में, दोनों में गलती कर दिया, हो अरे बच्चों समझा क्या उन बच्चों से पूछ रहा हूं जिन बच्चों ने पहले नो बोला था बोला टैली नहीं होएगा मैं उन बच्चों से पूछ रहा हूं इज इट क्लियर खोपड़ी में गया क्या गुड मॉर्निंग बच्चों गुड आफ्टरनून रिप्लाई बिफोर आई से गुड नाइट प्लीज रिप्लाई बच्चों नहीं किसी को डाउट है पूछो मेरे को बोलो सर डाउट है मेरे को बताओ डाउट 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 है तो पूछो सोचो समझो हाँ समझा तो हाँ बोलो नहीं समझा बिंदास ना बोलो नहीं समझा बिंदास ना बोलो फिर से पूछो मेरे से ऐसा नहीं सोचने का कि दूसरे को आ रहा है मैं डाउट कैसे पूछूं डायरेक्ट मैसेज करके डाउट पूछो मैं आपका डाउट का रिप्लाई करूंगा बिना आपके नाम लिए आपका नाम लिए बिना आपका डाउट का रिप्लाई करूंगा कि सो so देट आपको वो कॉन्शियस फील नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा मेरा डाउट मैं कैसे पूछूं दूसरों को समझ रहा है क्या ठीक है ना तो आप डायरेक्ट मैसेज करके डाउट पूछो मैं आपका बिना नाम लिए आपका डाउट का रिप्लाई करूंगा नो वरीज एट ऑल ऑनलाइन डाउट पूछना तो इजी है ना उल्टा क्लास में ना सामने 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 बोलने में हिम्मत नहीं होती अभी तो अपने अपने घर में बैठे हैं बटन दबाना है फिंगर से चलो दोस्तों आज हमने दो बीमारी की बात कर ली दो बीमारी को समझ लिया उनमें कौन सी कौन सी बीमारी क्या क्या होती है उसका ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट क्या होता है तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे आपसे छुट्टी लेता हूं कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी बिफोर आई फिनिश द लेक्चर परचेज इज आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एंड सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक में समझा नहीं पीडीएफ तो भेज दूंगा मैं मेरे को डाउट एक्चुअली समझा नहीं देखो अगर रॉन्ग बुक में कोई भी टाइप का रॉन्ग बुक में आपने अगर रिकॉर्डिंग कर दिया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है wrong book में जाने से कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अगर आप रॉन्ग बुक में चले गए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप वहां जाके डेबिट भी करेंगे क्रेडिट भी करेंगे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ट्रायल बैलेंस टैली होने में कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है बच्चों हाँ कल टेस्ट है ना आपकी थैंक यू चलो टाटा बाय बाय कौन से ये देखो कल आपकी टेस्ट कौन सी कौन सी है बच्चों पहला पहला आपका टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल दूसरा मैंने आपको क्या बोला ट्रायल बैलेंस ऐसा ही बोला ना नहीं मैंने ओरली अनाउंस किया था जब ओरली अनाउंस किया था तो शेड्यूल क्यों भेजू शेड्यूल आएगा ना शेड्यूल पूरा एक वीकली वीकली दस दस दिन का शेड्यूल आएगा और तीसरा कौन सा बोला था चलो बता दो बच्चों टेस्ट का तीसरा टॉपिक कैश बुक बोला था सब्सिडरी बुक बोला होगा ना हाँ टेस्ट होएगा ना कल संडे है तो संडे संडे तो टेस्ट होएगा ना हम आराम करेंगे आप टेस्ट लिखेंगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस की है ट्रायल बैलेंस की है कैश बुक की है आई थिंक मैंने सब्सिडरी बुक्स बुक।